नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जो कि हमारा आज नोटिफिकेशन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग से जो है नई नोटिफिकेशन निकल के आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सब इंस्पेक्टर और जो आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये नई नोटिफिकेशन है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 17 जून 2020 से लेके 16 जुलाई 2020, यानी कि पूरे एक मंथ तक जो है ये नोटिफिकेशन चलेगी। तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट डेट भी बताई गई है कि कब है, और ऑनलाइन पेमेंट की डेट भी यहाँ पे बताई गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। तो इसमें देखो आप सबसे पहले कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले पेपर वन, तो उसके बाद जो है आपका जो फिज़िकल जो है वो रहने वाला है। तो इसमें डेट भी यहाँ पे बता दी गई है, डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। तो एक जो आपका 1 मार्च, यानी कि अगले साल का 1 मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है, तो उसमें देख सकते हैं आप सब इंस्पेक्टर जीडी में सीएपीएफ में है, पोस्ट कैरी पे स्केल आप देख सकते हैं 35,400 रुपीज़ से लेके 1,12,400। तो ये जो है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग पोस्ट हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को लिया जाएगा दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में दोनों को मिला के यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस मेल के लिए टोटल वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 32 हैं और डिपार्टमेंटल के लिए अलग हैं। तो खासकर हम यहाँ पे तवज्जो देंगे कि अनरिजर्व के लिए जो जो स्टूडेंट हैं न्यू भरने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ में जो है आपकी सबसे ज़्यादा 421 अनरिजर्व के लिए है, और फीमेल्स के लिए 13 पोस्ट हैं, और ओबीसी के लिए अलग हैं 281 और 156 आपकी एससी और एसटी के लिए 78 पोस्ट, यानी कि टोटल 1,040 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। बीएसएफ की उससे कम पोस्टें हैं, 94 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 5 हैं, आईटीबीपी के लिए 22 हैं और फीमेल के लिए 4 हैं यहाँ पे, सीआईएसएफ के उससे कम हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में आपकी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, और एक्स सर्विसमैन भी देख सकते हैं 107 पोस्टें हैं। और इसमें हम देख लेते हैं बाकी ज़रूरी चीज़ें जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। यहाँ पे सिटीजनशिप तो आपको नॉर्मली पता है, यहाँ पे एज देखिए, यहाँ पे 20 से 25 साल तक के आप होने चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2021 तक के आप जो है इतनी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बिफोर, नॉट बोर्न बिफोर द 2nd of January 1996, तो उसके बाद की आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, सॉरी उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2001, तो उसके बाद की जो है आपकी जो एज नहीं, यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एस सी एस टी के लिए 5 से 3 साल तक का, ओबीसी के लिए 3 साल तक का है। यहाँ पे ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ आपको फॉर्मेट क्या रहने वाला है इसका। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल पोस्ट, बैचलर डिग्री यहाँ आपको चाहिए, तो बैचलर डिग्री जिसके पास है तो वो ये फॉर्म को भर सकता है। तो यानी कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पे उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ हाउ टू अप्लाई में, यहाँ बताया गया है कि आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे www.ssc.nic.in पे, तो ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट, लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं 100 रुपीज़ है आपके लिए, और कुछ भी नहीं है ये तो एज़ कम्पेयर टू आपके हिमाचल के जो एग्ज़ामिनेशन रहते हैं उसमें मिनिमम 360 रुपीज़ रहते हैं जो हमीरपुर बोर्ड का हम एग्ज़ामिनेशन भरते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, तो बेसिकली जो आपके हमारा जो है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे देखिए आप वेस्टर्न रीजन में आता है। ओके, तो यहाँ पे चंडीगढ़, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू और इसके जो है सेंटर आप देख सकते हैं जम्मू, श्रीनगर, सांबा, हमीरपुर, शिमला, जलंधर, अमृतसर, मोहाली, तो यहाँ पे आपके सेंटर्स आ सकते हैं। और स्कीम क्या रहने वाली है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर वन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ओके, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, फिर पेपर टू जो है डिटेल्ड मेडिकल जो है आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस, पेपर वन होगा उसमें देखिए
आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, नॉर्मली जो अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं जो या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक सुनहरा अवसर। जनरल नॉलेज, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो देखिए 50-50 मार्क्स का जो है 50 क्वेश्चन के 2 आवर में आपको कंप्लीट करना है, 2 घंटे दिए जाएंगे। और पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पे बात की गई है, तो 200 यहाँ पे क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं, 2 घंटे का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये 2 पेपर यहाँ पे इसके लिए रहने वाले हैं। बाकी जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एनसीसी वालों के लिए एक्स्ट्रा कोई मार्क्स हैं यहाँ पे, 5% एक्स्ट्रा हैं सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो ये सारा का सारा जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो वहाँ से आप यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर पूरा सिलेबस बताया गया है, तो ये आप पूरा देख लेना। तो दे दूंगा इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और भी नोटिफिकेशन चाहिए जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। और यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिलता है, पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं, और आपका जो टीजीटी कमीशन का है जो स्टूडेंट है, अगर वो कोई आपके रिलेटिव में तैयारी कर रहा है तो उनके साथ जो है मॉक टेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।